दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो गूगल डायलर है उसमें अगर हम कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा वो रिकॉर्डिंग कहाँ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग कहोगे यार गूगल डायलर में रिकॉर्डिंग आंटी बोल देती है। डोंट वरी, उस प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन कर दिया है और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी। तो वीडियो वॉच कर लीजिए कि आपका गूगल डायलर में जो आंटी बोलती रहती है उसको कैसे चुप करना है। जहाँ दोस्तों, उसे कैसे चुप करना है उसका मैंने वीडियो बना दिया और अगर आपने उसे चुप करके अपना कॉल रिकॉर्डिंग किया तो एक और प्रॉब्लम आती है। मैंने खुद फेस किया जब मैं समझ में आता है इसे कॉल रिकॉर्डिंग मैंने किया तो आखिर मैं गया कहाँ। जनरली हम अगर किसी के कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो मैं फाइल मैनेजर में सो जाती है, बट मैंने इसे खोजा, मुझे मिल नहीं रहा था। काफ़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिला तो उसे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिए और आपको मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि आप अगर गूगल डायलर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपको कहां से मिलेगा और आप उसे कैसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं माल के स्क्रीन पर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं माल के स्क्रीन पर बिना एक भी सेकेंड लेट किए हुए। सो लेट्स मूव ऑन मोबाइल स्क्रीन। लीजिए आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। और दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी, जब हमारे पास ये नहीं होता था, क्या नहीं होता था ऐसा वाला प्रॉब्लम, जब हमारे पास ये गूगल का डायलर नहीं होता था ये वाला, तो क्या होता था दोस्तों कि हमारे पास जो भी कॉल्स रिकॉर्ड होते थे वो सिंपली हमारे फाइल मैनेजर में चले जाते थे। तो एक बार हम इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या फाइल मैनेजर में जाता है, हो सकता है आप मिस कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर पूरे एकदम निचोड़ कर चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या फाइल मैनेजर में वाकई में जाता है ये फोल्डर। तो देखते हैं फाइल मैनेजर में आ चुका है। यहाँ पर मैं अगर जनरली वॉच करूँ तो वैसा कोई कॉल रिकॉर्डिंग का फाइल नहीं आ रहा है, तो मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ रिकॉर्ड करके कोई अगर फाइल हो तो। देखिए आ चुका है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, FM रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ, एक फाइल तो मिला दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग का, देखते हैं। ओ नो दोस्तों, वही प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से है, अगर आपके पास ये गूगल डायलर इससे पहले वाले फ़ोन में नहीं होगा तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे फाइल मैनेजर में सिंपली दे देता था, लेकिन ये जब से गूगल डायलर आया यहाँ पे देता ही नहीं है। दोस्तों फाइनली मतलब यही निकलता है कि फाइल मैनेजर में मैं डायरेक्टली तो नहीं देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, हम फाइल मैनेजर में भी ला देंगे, बस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और 2 से 4 मिनट लेंगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं फाइल मैनेजर को कर देता हूँ कैंसिल। अब हमारा दूसरा तरीका क्या होने वाला है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, फाइल मैनेजर में नहीं दिया तो हम लोग अपने कॉलर के डायलर में जाते हैं, जो कि यहाँ वाला कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों ने भी देखी होगी। जैसे कि मैंने कंपनी से बात की थी तो इसका ये रिकॉर्डिंग आ चुका है, ये जो रिकॉर्डिंग है इसका, इसको मैं प्ले करता हूँ। लाइव है तो ये इसका ये रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो क्या होता है कि इसका जो मेरा रिकॉर्डिंग है यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है, बट बात क्या है हमारा करंट का है। तो अगर प्रीवियस देख रहा हूँ तो कैसे देखेंगे, और हमें अगर इस रिकॉर्डिंग को अपने अच्छे तरीके से अगर सेव करके रखना हो तो कैसे रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही एक मेन टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि फाइल मैनेजर में हम दोनों ने देखा कि यार नहीं दे रहा है, फाइल मैनेजर में डायरेक्टली गूगल डायलर नहीं देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको इसके पर क्लिक करके सिंपली हिस्ट्री पर जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जिस पर भी जाइएगा उसके सिंपली हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए और हिस्ट्री में जाइए। देन अगेन आप लोगों को क्या करना है, आपने इससे जितने भी बार बात की है, जितने सारी कॉल रिकॉर्डिंग की है वो सारे यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों। देखिए मैंने सारे इससे बातें की थी और ये देखिए मैंने एक ये कॉल रिकॉर्डिंग की है, 2, 3 और 4, ये मेरे पास इसके 4 कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। और आपको जिसको भी सेव करना है उसको क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों अभी क्या होगा, अगर आप लोग इसे डिलीट कर देते हैं तो हो सकता है आपका कॉल रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो जाए। हालांकि ये मैंने ट्राई नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं। तो उसको हम लोग सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मुझे पहले वाला कॉल रिकॉर्डिंग था, अगर इसको सेव करना है तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक डिलीट का ऑप्शन देता है और एक शेयर का, तो हम लोग इसको शेयर करेंगे। सबसे पहले वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, पूरा समझ में आएगा, इस शेयर को करेंगे। और उसके बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम ब्लूटूथ से किसी के पास भेज सकते हैं, किसी को टेलीग्राम कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी को जैसे चाहे वैसे भेज सकते हैं, बट मुझे इसे अपने पास ही रखना है, किसी को देना नहीं है। माल का यार कैसे दे दें, समझ रहे हो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टू में गए। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप किसी फोल्डर में चाहें तो उसको वहाँ पे भेज सकते हैं, अगर आप किसी फोल्डर में चाहते हैं तो, बट आई डोंट थिंक सो हमें इसे किसी फोल्डर में डालना चाहिए, हो सकता है बाद में भूल जाए। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, सिंपली आपको जिसमें भी डालना हो, यहाँ पे डाटा वगैरह का है, मैं सिंपली इसे बस पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कैसे करेंगे। एक बार फिर से आते हैं, देखते हैं, ये हमारा कॉल का रिकॉर्ड होता है,
इसके हिस्ट्री में जाएंगे, जिस भी कॉल रिकॉर्डिंग को हमें शेयर करना है उसको सिंपली टैप करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उसके बाद कर देंगे कॉपी टू फाइल मैनेजर और इसको हम यहाँ पे कर देंगे सिंपली पेस्ट। जी हाँ, देखिए हमारा एक न्यू फोल्डर आ चुका है और ये वही कॉल रिकॉर्डिंग का है। प्रीपेड सेवाओं के लिए तो देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने वही है। तो इसी तरह से आप लोग अपने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं दोस्तों। और एक जरूरी बात कि अगर आप लोग गूगल ड्राइव में डायरेक्टली फाइल मैनेजर में ढूंढोगे तो दोस्तों ये मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप लोग इस तरह से सिंपली आपको कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद उस कॉल रिकॉर्डिंग को करने के बाद उसको आराम से जाइए, उसको आराम से उसको शेयर करके अपने पास सेफ रख लीजिए अगर आप रखना चाहते हैं तो, और नहीं चाहते तो आप डिलीट वगैरह जो करना कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आइए स्क्रीन पर बताते हैं। तो दोस्तों पता है आज मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। और अगर किसी बाय चांस आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन पर्सनली दे दूंगा, वहीं पे आपके कमेंट में दे दूंगा। और दोस्तों बता दूं कि आप लोगों का लिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई और आप लोगों को इससे ऑब्वियसली बेनिफिट हुआ, तो अब हमारा भी बेनिफिट कर दीजिए। एक शब्द में कहें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि दोस्तों इससे आपको ढेर सारी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो भी काफ़ी फन और मजे के साथ मिलती रहेगी। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं जाता दोस्तों, बट हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियो को बनाने में सपोर्ट मिलता है। सो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए। जय हिंद।